दोस्तों भारत की सबसे सस्ती BS6 मोटरसाइकिल जल्द ही आने वाली है और जिसका नाम है बजाज CT100 BS6। अब ये बाइक सस्ती क्यों रहेगी मैं आपको पूरा कारण बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको इस वीडियो में पल्सर 220 के बारे में भी न्यूज देने वाला हूँ दोस्तों। तो बजाज CT100 BS6 की बात करें तो ये बाइक सस्ती इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें आपको कार्बोरेटर मॉडल मिलेगा BS6 में ही, क्योंकि मैंने आपको अभी तक जो भी बाइकें दिखाई है उनमें आपको मैंने दिखाया है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है, लेकिन इस बाइक में आपको कार्बोरेटर मिलेगा, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होगा। जो पहले वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको ECU चेंज मिलेगा, ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे सेंसर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ आपको फ्यूल इंजेक्शन मतलब जो इंजेक्टर लगा होता है वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलेगा। तो जैसा कि और सारी बाइकें और सारी कंपनियां कहती हैं कि 13% माइलेज बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, 15 बढ़ जाएगी, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से लगभग 5-7% माइलेज बढ़कर मिलेगी क्योंकि इसमें कार्बोरेटर मिल रहा है। और इसकी वजह से जैसे कि आप लोग जानते हैं बजाज कंपनी की अगर आप बाइक खरीदते हैं, चाहे 100, 110, 125, 150, 200, 220, साथ में 400 सीसी की बाइक अगर आप खरीदते हैं तो आपको काफी कम कीमत में और कंपनियों से काफी कम कीमत में बजाज कंपनी बाइकें देती हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको कार्बोरेटर में उतारा है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रदूषण करेगी, दोस्तों BS6 नॉर्म को पास करना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और दोस्तों BS6 के जो नॉर्म्स होते हैं उनको ये बाइक पास कर चुकी है, तो इसलिए इसमें आपको ये डरने की जरूरत नहीं जैसे कि ये प्रदूषण करेगी। बस बजाज कंपनी ने जैसे इसकी कीमत कम करने के लिए इसको कार्बोरेटर मॉडल में उतारा है, तो ये भी BS6 ही रहेगी। इसमें आपको लगभग वही सारी चीजें मिलेंगी, सिर्फ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जैसे EFI या ETFI ये जो सिस्टम होते हैं इंजेक्टर, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि आप लोग जैसे बहुत से लोग ये डरते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होगा, जब खुलेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो उनके लिए ये बाइक काफी अच्छी साबित होगी क्योंकि ये काफी कम कीमत में बन जाएगी। अब हम सस्ती जैसे मैं रट रहा हूं तो मैं आपको बता दूं इसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों बजाज की CT100 अगर आप 100 सीसी में सेल्फ स्टार्ट लेते हैं तो ये आपको लगभग 50-52 हजार रुपए ऑन रोड प्राइस में पड़ती है। मैं यहां पर एक शोरूम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 50-52 में पड़ती है। तो अब जैसे और कंपनियां 10 हजार रुपए बढ़ा रही है तो ये बाइक आपको लगभग 55-57 हजार रुपए ऑन रोड प्राइस में, मतलब 60 के अंदर ही ये बाइक मिल जाएगी BS6 में। तो अगर आप 100 सीसी की बाइक ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपको माइलेज भी मिलेगी। अब जैसे कि मैंने आपको CT100 में बता रखा है कि लगभग 60-70, 75 कुछ कंडीशन में 75 की भी दे देती है। मैं जिसमें DTSI टाइप का इंजन लगा है, मैं पुरानी CT100 की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें सेल्फ स्टार्ट लगा है उसकी बात कर रहा हूं, लगभग 60-70 तक की माइलेज दे देती है। तो लगभग आपको 70-75 इसमें भी आपको माइलेज मिल जाएगी। यहां पर मैं 80-90 की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैंने आपको प्राइस बता दिया, माइलेज बता दिया और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बजाज कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कुछ जगह पर जहां मुझे पता चला है वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक है 100% यही बाइक आएगी, लेकिन कुछ बदलाव होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिलहाल अगर आप बाइक खरीदने वाले हैं 100 सीसी की तो आप इसका भी थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि ये आपको काफी कम कीमत में मिल जाएगी, क्योंकि आप जो भी बाइक खरीदेंगे वो लगभग 70-75 की हो चुकी है, 10-15 हजार रुपए बाइकें महंगी हो चुकी हैं, तो आप इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहली न्यूज जो दी वो है बजाज CT100 BS6 के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि पल्सर 220 भी जल्द ही आने वाली है, इसको भी देखा गया है टेस्टिंग के दौरान। अब इसमें आपको स्टिकर चेंज मिलेंगे और साथ में इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा और बजाज कंपनी हो सकता है थोड़े बहुत इसमें बदलाव करके दे सकती है जिससे प्राइस भी ज्यादा ना बढ़े। तो ये बाइक आपको लगभग 1,20,000-22,000 रुपए तक पड़ती है और हो सकता है 1,30,000 के अंदर अंदर जो आपकी पल्सर 220 फ्यूल इंजेक्शन BS6 है वो 1,30 के अंदर अंदर मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि सुजुकी की जिक्सर आपको अभी बिना BS6 के 1,31,000 रुपए मिलती है और आपको पल्सर 220 लगभग 1,30,000 रुपए में मिल जाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए काफी कमाल की न्यूज है। और अगर आप जैसे कि फैन हैं पल्सर 220 के, क्योंकि इस बाइक के बहुत सारे फैन हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है बाइक, तो अगर आप जैसे कि इसको खरीदने वाले हैं तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। मैंने आपको इन दोनों बाइकों के बारे में बता दिया और मैं जल्द ही, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि Shine SP की वीडियो कब आएगी, दोस्तों जल्द ही मतलब 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। हमारे यहाँ बाइक शायद आ चुकी है, मुझे सिर्फ पता करना है, तो मैं आपको SP125 की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, बजाज CT100 BS6 की न्यूज, पल्सर 220 की न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।